रसोईया जितने भी हैं उनको वर्ष में दो साड़ी बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इनको उपलब्ध करवाएंगे। एप्रन और हेड कैप का पैसा सीधे रसोइयों के खाते में देने की व्यवस्था परिषद करेगा। रसोइयों से हर एक रसोईया का खाता खुलवाएंगे। हर एक रसोइये को प्रयास होना चाहिए कि हर एक रसोइया को हम लोग 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की कवर के साथ भी जोड़े, जिससे उनको यह सुविधा उपलब्ध हो सके। और उसमें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना के साथ जोड़ने की इस कार्रवाई के साथ इनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वहां इनका लाभ मिलना चाहिए। नवीनीकरण के समय स्कूल में पाले के पढ़ने की बाध्यता के बारे में अक्सर होता था, और दूसरा मनमानापन निकालने की व्यवस्था, गंभीर शिकायत है तो वहां पर एक टीम बना करके उसकी जांच होनी चाहिए, जांच के बाद आप अनुशासनात्मक कार्रवाई करें, लेकिन मनमानेपन तरीके से नहीं होना चाहिए, अन्यायपूर्ण तरीके से नहीं होना चाहिए। और इसलिए इसके बारे में विभाग एक बार व्यवस्था कर ले कि विद्यालय में इन चीजों की बाध्यता, भाई कोई गरीब महिला किसी विद्यालय में अगर रसोई बनाने का काम कर रही है, उसकी मजबूरी है, उसके घर की व्यवस्था उसी से संचालित भी होती है, इसलिए मनमानापन हटाने की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। पाले की बाध्यता की व्यवस्था के बारे में भी विचार करते हुए किया जाना चाहिए कि यह व्यवस्था न हो, अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उधर बच्चों के साथ उसका एक आत्मीय संवाद होता है, उस आत्मीय संवाद को बनाए रखने के लिए उसकी सेवा को हम लोग आगे बढ़ाने की कार्रवाई करें, उस इन दो प्रकार की बाध्यताओं को समाप्त करें, और प्रतिमा 500 रुपए अतिरिक्त मानदेय इनको बढ़ाने की कार्रवाई आज यहां पर की जा रही है। मैं इस अवसर पर सभी रसोइयों को इस सुविधा के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अनुदेशकों को अब तक हम लोग 7,000 रुपए प्रतिमाह यहां पर देते रहे हैं, और आज के इस अवसर पर जब यहां पर काफी बड़ी संख्या में यहां पर अनुदेशक हैं और प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी अनुदेशक वहां पर इकट्ठे हुए हैं, मैं इस अवसर पर जो यहां पर मेरे पास प्रस्ताव आया था उस प्रस्ताव में कुछ और बढ़ोतरी करते हुए हर अंशकालिक अनुदेशक को जो निर्धारित मानते हैं इसमें प्रतिमा हम लोग 2,000 रुपए अतिरिक्त वृद्धि उन लोगों के लिए कर रहे हैं, जिससे उनके मानदेय को हम एक सम्मानजनक स्थिति में आगे बढ़ाने का कार्य कर पाएंगे।